रात दिन मेहनत से लगे हुए थे, उनका आभार हम व्यक्त करना चाह रहे थे। लेकिन उसके पीछे अब तक की देरी का कारण रहा, उस पूरे सीजन में शादियों का सीजन था, 15 तारीख तक लगातार हमारे संसद में शादियों का सीजन रहा, उस वजह से हमने इस कार्यक्रम को थोड़े देरी से कर पाए। आज का ये कार्यक्रम तमाम कार्यकर्ता, विशेष तौर से क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमने मातृ शक्ति से निवेदन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी आप जिस संख्या में आ पाए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। फिर भी आप इस संख्या में आके हमारे तमाम लोगों का आप हौसला अफजाई करने आए। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी सीकर विधानसभा के और आसपास के जितने भी मेरे जो साथी हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। लगातार आपने पूरे चुनाव अभियान में, मैं मानता हूं राजस्थान में पहला मैं ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ एक लंबी चौड़ी कार्यकर्ताओं की फौज थी। हमारे साथ उस लंबे अभियान में नेता कम थे, महेश जी शर्मा दो ग्राम पंचायतों के हमारे मुखिया प्रतिनिधि सामान्य रमेश जी और सामान्य सुरजीत जो तारपुरा और धर्मशाला दोनों पांच ग्राम पंचायतों के व्यक्ति हैं। तीसरा चुनाव जीता हुआ व्यक्ति साथी कानाराम जी जो जिला परिषद में प्रतिनिधि के रूप में हैं, बाकी सारे लोग कार्यकर्ता थे। लेकिन साधारण कार्यकर्ताओं के मन में जो जज्बा था, अभी गोदारा जी कह रहे थे, मैं गोदारा जी आपसे निवेदन करना चाहूं, करीबन दो महीने मैंने तैयारी की थी, छोटे छोटे गांव ढाणियों में मेरी बड़ी सभाएं मेरे इन लोगों ने की। उसके बाद 1 अक्टूबर को मेरी जो रामला मैदान की सभा थी, राजस्थान की ऐतिहासिक सभा जिसमें हजारों की संख्या में मातृ शक्ति मुझे आशीर्वाद देने उसे कार्यक्रम में आई थी, बहुत सारे सीकर विधानसभा के वो लोग जिसमें यूथ साथियों की संख्या जबरदस्त थी, उस कार्यक्रम के सब लोग हिस्से बने। उन लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया था, प्रयास इस बात का किया था कि अब की बार आप राजस्थान विधानसभा में सीकर विधानसभा के विधायक का चुनाव आप लड़े। टिकट के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया, और उसके बाद ये युवा स्थान भंवर जी के दो युवा स्थल हैं, पूजा और रोयल, इसमें कार्यकर्ताओं ने सभा रखी और उन लोगों ने मुझे आदेश दिया। मैंने बहुत प्रयास इस बात का किया था, निवेदन किया था, लेकिन फिर भी सबका आदेश हुआ और हम विधायक का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सीकर विधानसभा में हमने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल के कार्यक्रम में भी आप लोग मेरे साक्षी बने थे और बहुत अच्छी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने तमाम लोग उस कार्यक्रम में, विशेष तौर से मातृ शक्ति भी उस कार्यक्रम में
मेरे साथ सहयोगी के रूप में सीकर के कोर्ट तक आप रामलाल मैदान से सब साथ चल के मेरे साथ आए थे। फिर चुनाव अभियान स्टार्ट हुआ और मैं इस बात का भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, नामांकन लेने के बाद हजारों हजारों साथी मेरे जो मेरे पूरे चुनाव अभियान के मेरे साथी बने, मेरे सहयोगी बने, कम लोगों को चुनाव का अनुभव था। मैनेजमेंट मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर किया, मैं इस बात का भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। एक भी कार्यकर्ता ने मुझे कभी यह नहीं कहा कि मुझे यह समस्या है, न कभी तेल के लिए फोन किया, न कोई और समस्या के लिए फोन किया किसी कार्यकर्ता ने। इस बात का भी आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चुनाव में एक लंबा तजुर्बा मुझे स्वयं को है, जब जब यह मेरे और एमपी के चुनाव हुए हैं एक लंबी कतार समस्याओं की हुआ करती, गाड़ी तेल और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हुआ करती हैं जिनके लिए संघर्ष किया जाता है। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता ने मुझे इस बात के लिए कभी कोई छोटी तकलीफ भी नहीं दी कि ये समस्या मेरे है, सब कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने आप मैनेज किया, उसके लिए भी आप बहुत धन्यवाद के पात्र। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र राजस्थान में सबसे चर्चित चुनाव, चर्चा में रहने वाला चुनाव पूरे राजस्थान में आपका चुनाव सीकर विधानसभा का चुनाव था। ऐसा काफिला जब कारवां निकलता था, जब काफिला निकलता था, हमारी जो सभाएं भी राजस्थान में एक बात सीकर विधानसभा की सभाएं जो न भूतों ने भविष्य, लोग इसको याद रखेंगे, लोग याद रखेंगे इन सभाओं को। जब कटरातल की सभा भी, धर्मशाला की सभा भी, पिपराड़ी की सभा भी, दौलतपुरा की सभा भी, गोकलपुरा की सभा भी, बराल की सभा भी, धुराखड़ा की सभा भी, हमारे हरदयालपुरा की सभा भी, आपके कुर्ली भादवासी की सभा भी, आपके दादिया की सभा भी, आपके बेरी की सभा भी, आपके कोलड़ा की सभा भी, आपके तारपुरा की सभा भी, आपके घुमारा की सभा भी, आपके कुशलपुरा की सभा भी, आपके सियासन की सभा भी, रघुनाथगढ़, पुरोहित का वास, सैनपुरा, चारण का वास, फिर यहां से निकलते हुए हमारे बाजौर, मलकेड़ा, फिर हमारे बारा गांव, जबरदस्त सभाएं मेरे ग्रामीण अंचल में हुई। कोई ऐसा गांव नहीं था, शिवसिंधा भी उसमें शामिल था, 26 हमारी ग्राम पंचायतें थी जिन्होंने मुझे घोड़ी चढ़ाई, ऊंट की यात्रा मुझे करवाई, रथ पे चढ़ाया और पहली बार हाथी की यात्रा भी कार्यकर्ताओं ने मुझे करवाया, उसके लिए भी धन्यवाद आपको ज्ञापित करूं। शहर के लोगों ने भी मेरी जबरदस्त सभाएं की। छोटी बात आपसे करना चाहूंगा, मैं लगातार इस बात से मुझे इस बात का ज्ञान था, इस बात का शुरू से दबे शब्दों में सुना करता था और जहां जिस कार्यक्रम में जाया करता था, जाति यह जहर है, जैसे गोदारे जी कह रहे थे, किसी जाति में पैदा होना कोई बुराई नहीं है, कोई जाट हो सकता है, कोई राजपूत हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई भाजन हो सकता है, कोई बढ़िया हो सकता है, कोई गुजर हो सकता है, ऐसी हो सकता है, ऐसी हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति तो चुनाव लड़ रहा था पहली बार, खेल का व्यक्ति,
परसों से भास्कर बोल करता हूं, परसों से सीकर जिले के ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं जिसमें मेरा आना जाना नहीं रहा है। लोगों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति और विशेष तौर से यूथ साथियों का बहुत जबरदस्त मैंने साथ लेकर अब तक न चला। खेल के कार्यक्रम होते हैं, कैसी खेल की प्रतियोगिताएं हुआ करते हैं, कोई सेमिनार, कोई कार्यशाला, लगातार पूरे सीकर में और विशेष तौर से पूरे सीकर जिले में ऐसे कार्यक्रमों में जब आगाज और समापन हुआ करता है, मेरा आना जाना रहा करता, कभी जाति को कभी जाति का नाम नहीं कहती, धर्म से भूत भूत दूर रहे। मुस्लिम समाज में जब मेरे कार्यक्रम हुए बकरा मंडी विशाख्यम चौक, लंबा चौड़ा कारवा निकला, लंबा चौड़ा कंधों पे लोग लेके जा रहे थे, कंधों नीचे जमीन पे पैर नहीं टिकने दे रहे थे, मुझे इस बात का ज्ञान था। वो दिन के समय, दो दिन का समय जिसमें जहर फैलाया गया इस बात का, धर्म का जहर फैलाया पहली बार। बहुत सारे कार्यकर्ता छोटे छोटे मुस्लिम साथी जिनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, निराश है इस बात से, उन्होंने मेहनत की थी, जबरदस्त मेहनत, उनको दोष नहीं देना चाहता इस बात के लिए, खैर इस बात का फैलाया मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वाई साहब ने जब चुनाव हुआ तो गांव के लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, उनको जब वोट नहीं दिए तो अब की बार आपका मौका है, आप उनको क्यों वोट दे रहे हैं जो गांव के लोग हैं। ये खैर तमाम हमारे मुस्लिम बोले थे उनमें फैला दिया गया और तीन दिन लगातार इस बात की हवा चली। ये तारातन बीजेपी का आदमी, चुनाव लड़ने के बाद में बीजेपी का चला जाएगा, और ये जब चुनाव लड़ रहा है इस बात के लिए चुनाव लड़ रहा है कि वही साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस को हराया और बीजेपी उनकी वजह से जीत गई, और अब की बार भी ऐसा होने वाला है। जब इनके पक्ष में आपके मतदान आप पक्ष में कर दोगे, आपके वोट इनके पक्ष में चले जाएंगे, कांग्रेस यहां से हार जाएगी, ताराचंद घायल या तो जीत जाएगा, नहीं जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश ही चुनाव जीत जाएगा। ये लहर लोगों में फैलाई, ये बात लोगों में फैलाई और तीन दिन तक धर्म की जो संस्थाएं हुआ करके वहां उन संस्थाओं में इन बातों का प्रचार और प्रसार किया, और हमारे यहां के लोग इन चीजों में बहुत विश्वास करते हैं। और वो नुकसान हमें हुआ, कार्यकर्ता हमारे साथ रह गए और बाकी मत उनके खुद के परिवार के मत भी दूसरे के पक्ष में चले गए, ये नुकसान मुझे। दूसरा जो बड़ा नुकसान मुझे हुआ, जाति जबरदस्त शहर फैलाया आपकी बार जाति का, मैंने कभी कल्पना भी जीवन में नहीं की थी इस बात की कि ऐसा शहर कभी फैल सकता। जाट 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 जाट, मैंने कहा ऐसा शहर पहली बार देखा। बरसों बरस से मैंने मत का प्रयोग किया है, मैंने लीडर बनकर काम किया अब तक लोगों के साथ, लोगों की गाड़ी चलाना, लोगों के साथ लेके चलना, चुनाव का पूरा कैंपेन मैंने अब तक किया है, कभी जीवन में जाति की बात नहीं की। शहर के भोले जिनका मैंने साथ और सहयोग जीवन पर्यंत दिया, जबरदस्त साथ और सहयोग जीवन पर्यंत दिया, जाति में मुझे बांट दिया, और वो जहर तीन दिन तक चला, लोगों में जहर भर दिया गया था, और वो नुकसान मेरे इन कार्यकर्ताओं का नुकसान हो। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा दोस्तों, 41,000 वोट, 65,000 वोट हमारे पास थे, उसमें से 41,000 वोट हमारे पास रहे, बाकी ये शहर की वजह से हो गया। यदि 65,000 वोट हमारे होते तो चुनाव का रिजल्ट कुछ अलग होता, हम सब बराबर के दौर में शामिल होते और चुनाव जीतने की स्थिति में हम होते, ये तय था। इस जातिगत शहर की वजह से
पहली बार सीकर के विधानसभा में इस बात का नुकसान हुआ। और इस बात का मैं कहना चाहूंगा और लगातार इस बात का आगाज भी कर रहा था दोस्तों, हमारे सीकर शहर शिक्षा का हब, शेख अबाटी का, सूरवीरों का ये अंचल हिंदुस्तान में इसको पहचाना जाता है। काम की गुणवत्ता देखिए, यहां पर सड़कें गिर रही हैं क्योंकि मैं पंचायत राज का व्यक्ति, आप भी पंचायत राज का सेकंड मुखिया हूं मैं जिले का। लोग कुछ मायूस, सड़कें ऐसी घटिया, मिट्टी लग रही है मिट्टी। आज सड़क बनती है, कल सड़क गोदरा साहब समाप्त होता थे। आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अमले के आप मुखिया रहे, सड़कें बन रही मिट्टी की सड़क। मुझे मेरे साथी विदेश में काम करते हैं, उनके भाई आए हुए थे गोकुल जी जाएंगे, वो कह रहे थे पता नहीं कैसी सड़कें यहां बनती है। मैं आदिवास के रहने वाले, उधर से मैं जब आ रहा था तो 20 मीटर के ऐसी जो डिवाइडर के बीच में डिवाइडर बनता है उसके 20 मीटर शाम को बनती थी, सुबह जब मैं मेरे गांव से आया तो वापस वो गिरी देखी। ऐसी सड़कें बनते हैं, ऐसे डिवाइडर बनते हैं, मिट्टी का डिवाइडर बनते हैं। यहाँ सड़कें टूटे, नवलगढ़ रोड की स्थिति देख रहे हैं, 4 बजे बाद आप देख रहे दोस्तों सब कुछ समाप्त हो गए, फिनिश। ऐसी सड़कें बना रहे, कोई बोलने वाला नहीं। नगरी परिषद के मुखिया, चुनाव हम जीत के की बात, मैं लगातार इस बात का प्रचार और प्रसार करता हूं और इस बात के लिए आंदोलन भी हम करेंगे। ये जनता का पैसा, हम ऐसे गलत लगने नहीं देंगे, इस बात का आंदोलन करेंगे। संगीता जी बैठे, बहुत अग्रेसिव लेडी, खड़ा होगा, बहुत अग्रेसिव, ऐसी जागरूक लेडी है जो इन बातों के लिए लगातार आंदोलन क्या करते रहते हैं। शहर में जो भी घटिया काम हो रहे हैं उस बात के लिए भी आंदोलन करेंगे हम, उस फ्रंट पे भी काम करेंगे दोस्तों। और इस बात के लिए मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, आप चुनाव नहीं हारे, एक सोची समझी चाल की वजह से आपको चुनाव हराया गया है, क्योंकि आप नए थे, नए कार्यकर्ता आप थे। मैंने उन कार्यकर्ताओं को भी देखा, रोते देखा कार्यकर्ताओं का, दिल टूट गया था कार्यकर्ताओं का। मैं उस टाइम भी कह रहा था कि चुनाव हार और जीत का हिस्सा होता है, चुनाव में एक को हारना पड़ता है, एक को चुनाव में जीतना होता है। आप चुनाव हारे नहीं है, आप चुनाव जीते हैं, लोगों का आपने दिल जीता है, आपने लोगों का, मैं कह रहा हूं दिल। दो साल के तो हम सीकर जिले के उप मुखिया हैं, 2 साल के कोई नहीं हटा सकता, दिन धीरे धीरे निकल जाएंगे, आंदोलन करेंगे। और मैं इस बात के लिए भी आगाह करना चाहता हूं, जो ताकत आपकी है, समय के साथ पंचायत राज के चुनाव होंगे, जैसा आपने ग्राम पंचायतों में संगठन दिखाया, आपके बाद सरपंच आपका होगा, पंचायत समिति मेंबर आपका होगा, पंच आपका होगा और जिला परिषद का मेंबर होगा आपका और इस पंचायत समिति का प्रधान आपका होगा। मैं इस बात के लिए भी आपको निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि वोट आपके 70% वोट आपने ग्राम पंचायतों में लिए, सब कुछ आपका होगा। रही बात पैरों में जान है, दुखी होने की जरूरत है। चुनाव मैंने पहले भी कहा था, या तो युद्ध में उतरना नहीं चाहिए और उतरने के बाद युद्ध में कायर नहीं बनना चाहिए कि गोली सीने पे लगेगी तो मैं मर जाऊंगा। युद्ध में उतरोगे तो सीने पे ही आपको गोली खाना है। आप युद्ध में उतरे थे, आपने सीना दिखा के ये युद्ध लड़ा है, हार जीत इसका हिस्सा थी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात के लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं, शानदार चुनाव आपने लड़ा, शानदार चुनाव। मैं आपका एक साथी, आपका भाई, फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, छोटी मोटी चुनाव की कुछ व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को पूरा कर लेंगे 2-5 दिन के बाद में। कोर्ट का वो गेट और बरगद के पेड़ के नीचे आपके हितों की रक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में लगातार
आपकी आवाज जिला परिषद और पंचायत समिति और पंचायत राज में आपकी आवाज बनके दो साल बोलने का पूरा मौका मेरे पास है, उस बात के लिए भी हम लड़ाई आपके पक्ष में लड़ते रहे। कोई भी कोई छोट कोई काम हो तो निसंदेह आपकी और हमारी आवाज दबी आवाज नहीं है, मूक आवाज नहीं है हमारी, हम लोग बोलेंगे आपकी आवाज बन के, आपकी आवाज बन के हम जनाब परिषद में बोलेंगे। अभी हमारे पास समय है, कोई काम ऐसा नहीं होगा जिस काम के लिए आपको दूसरे के पास जाना पड़े। आप मुझे आदेश कर देना, उस आदेश का इंप्लीमेंटेशन होगा। आपकी कही हुई बात को हम लोग पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए इस बात के लिए भी मायूस नहीं होना। सब लोग इस धन्यवाद कार्यक्रम में बहुत शांति से लोग भोजन कर रहे हैं, जब दूसरे फेज के लोग भोजन करेंगे, तमाम लोगों से मेरे इस बात का निवेदन रहेगा कि सब लोग भोजन जरूर करके जाना। हम सब साथ बैठना चाह रहे थे, जब जलपान कोई व्यक्ति साथ करता है तो उसके रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हो जाया करते हैं, और आज से हमारे और आपके रिश्ते पहले से प्रगाढ़ और ज्यादा प्रगाढ़ आज रिश्ते हमारे प्रगाढ़ हो जाएंगे। हमने मन से इसलिए नहीं सजाया कि हम सब बराबर के लोग हैं, 10 ऊपर बैठेंगे बाकी नीचे बैठेंगे। हमने इस परंपरा को इसलिए तोड़ा कि सब बराबर के लोग हैं, सबकी बराबरी की का यह चुनाव हिस्सेदारी का चुनाव था, इसलिए सब बराबर हम बैठ के इसे आज के कार्यक्रम को हमने अंजाम दिया। धन्यवाद का कार्यक्रम रहेगा ग्राम पंचायत में। मेरे सीकर विधानसभा के 26 ग्राम पंचायतें एक दो दिन में रूट चार तय कर देंगे, ज्यादा ताम धाम करने की कोई जरूरत नहीं। गांव में आएंगे साधारण चौपाल में, 2-5 कुर्सी हो जाएंगे, बाकी एक दरी बिछा देंगे, उस दरी पे माइक मेरे पास रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की थी उन कार्यकर्ताओं का सीकर विधानसभा में हम धन्यवाद ज्ञापित कर देंगे। और उसके बाद उस लक्ष्य पे निकल जाएंगे, तो सीधा कहना था लड़ाई को छोटी नहीं लड़ेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे बड़ी लड़ाई। किसान कौन का व्यक्ति हूं मैं, किसान कौन का व्यक्ति मैं कहा करता हूं, जिसमें 36 कौन में शामिल हुआ करती है, जैसे गोदारे जी कह रहे थे, न जाति न पात न कोई धर्म, हम ग्रामीण अंचल के न कोई जाट है न कोई ब्राह्मण है न कोई खाती है न कोई कुमार है न कोई सुनार है, किसान कौन के लोग हैं हम सब तमाम लोग, और किसानी कौन का व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। सीकर जिले के गांव ढाणी को हम इस 3 महीने में संपूर्ण सीकर जिले की सीकर लोकसभा क्षेत्र को हम इन पैरों से नाप देंगे, मैं कह रहा हूं पैरों से नाप देंगे। लोग तैयार हैं, हजारों हजार लोग इस बात के लिए तैयार हैं, सिर्फ आगाज की जरूरत है, आगाज की, आगाज करेंगे हम लोकसभा का चुनाव के लिए। आपको सबको साथ लेते हुए इस बात के लिए कहना चाहूंगा हम आगाज करेंगे आज के बाद। कमजोर होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, कमजोर वो होते हैं जो कायर हुआ करते हैं, हम लोग कायर नहीं है। किसान के कौम में पैदा हुआ व्यक्ति कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, मैं लगातार इस बात के लिए कहा करता हूं। सीकर जिले में आगाज करेंगे, आपका साथ और सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका तन चाहिए और आपका मन चाहिए, ये दो चीजें चाहिए, बाकी रास्ते ईश्वर खुद ब खुद तलाश देता है। आपका साथ तन और मन से चाहिए सिर्फ, बाकी सब चीजें खुद ब खुद तलाश लेंगे। पूरा ऐसा सीकर जिले का कोई गांव नहीं, ऐसी कोई ढाणी नहीं जिसमें मुझे नहीं जाना जाता, जिसमें मैं लोगों को नहीं जानता। बरसों बरस से मैंने काम किया है, लोगों का साथ मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, और जब लोकसभा का चुनाव होगा गोदारा जी आपसे मैं कहना चाहूंगा एक नया इतिहास बनेगा, मैं आज कह के जा रहा हूं आपको इतिहास नहीं बैठता, इतिहास बनेगा मैं कह रहा हूं। एक बड़ा सफल हो सकते हैं, एक बड़ा सफल हो सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
इसलिए असर क्या होगा, और मैं कहता हूं लोगों का क्या असर होगा जो इस कारवां से अलग हो गए थे, इसे लाइन से हट गए थे। 66 तो वो लाए हैं जो सब कुछ लगा हुआ था, पूरी सब कुछ लगा हुआ था, और 41 हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता लगे हुए थे, मातृ शक्ति लगी हुई थी। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी 41,000 वोट लेते हैं, 41,000 वोट कम नहीं हुआ करते दोस्तों, बड़ी मेहनत आपने की। कायल हूं आपकी मेहनत का कायल। कई बार कई शिकायतें चलती है, मैं कहता हूं कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जिसके मन में कूट था, सफेद कोरा कागज की तरह सब कुछ साफ था। मेहनत की थी, लोगों को मैंने अब भी देखा, रोते देखा, लोगों का दिल टूटते हुए देखा। मैं कहता रहता हूं, मैं कहूं घबराने की जरूरत नहीं। जगन जी गुरु जी, मैं परसों चला गया था उनके पास, थोड़े व्यथित थे, बोले मजा नहीं आया। मैंने कहा गुरु जी, अंधेरे के बाद में उजाला होते देखा हमने, उजाला होगा होगा। ये पुण्य जी शर्मा हमारे बिल्कुल घबराए नहीं कि चुनाव तो होता रहता, आता जाता रहता, सब ठीक होगा। तमाम जितने कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, इसी बात का निवेदन करने चाह रहा था, आभार व्यक्त करना चाह रहा था। आपके गांव में भी आपका आभार व्यक्त करने आ जाएंगे, खाना आराम से खा के जाएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खाना खा के नहीं जाएगा। तमाम लोगों के लिए बहुत बेहतर से बेहतर खाने की व्यवस्था हम लोगों ने की, साफ सुथरी प्लेटें भी आपके लिए रखी है। पहली बार फैक्ट्री से बनने के बाद पहली बार आपके लिए मैंने प्लेटें रखी है कि कोई आदमी झूठा खाना नहीं खाए, झूठी प्लेट में खाना नहीं खाए। मैंने कोशिश की है, मैंने यहां तक शुद्ध का इतना ध्यान रखा है, आपके लिए मावा भी मैंने 2 दिन बैठ के निकलवाया, भैंस के दूध का वो बिल्कुल सब साथ है। मसाला भी मैं स्वयं जाके मिर्ची मसाला भी लेके अच्छी मिर्चों को पिसा के लाया हूं, सबको साफ है। खाना आप खा के जाना, क्योंकि प्रसाद आपका है, एक साधारण से कार्यकर्ता का प्रसाद है, सब प्रसाद करके जाएंगे। और नई एक सोच के लिए, नई एक ऊर्जा के की ओर देखते हुए, एक नए आगाज के लिए हम वो आगाज करने जाएंगे जो पूरे सीकर जिले में हमारा आगाज होगा। और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा, ताकत पैसा ध्वस्त कर देंगे, ताकत और पैसे को, की बार एक चुनाव हमारे अगला चुनाव हम कोशिश करेंगे कि वापस हम वो चुनाव लोकसभा का जीतेंगे। और यही कार्यकर्ता जो आज मायूस है, कार्यकर्ता नई ऊर्जा देंगे तमाम जितने भी लोग, क्योंकि साधन और संसाधनों की कमी रहते हुए किसी के पास साधन नहीं होता, उसके बाद भी थोड़े से अल्प समय में मैंने मोबाइल के माध्यम से, मैंने गोदारा साहब से मोबाइल के माध्यम से मैंने निवेदन किया था लोगों से, और उसके बाद भी एक बेहतरीन संख्या में, एक अच्छी संख्या में आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में आप लोग पधारे। क्योंकि ये मैं उस समय भी आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं एक चेहरा मात्र हूं आपका चेहरा, बाकी ये चुनाव आप खुद लड़ रहे थे। यदि चुनाव मैं लड़ता तो बहुत साधन और संसाधनों की जरूरत पड़ती, 200 गाड़ियों का काफिला निकलता था, पता नहीं इनके पास गाड़ियां कहां से आती थी, कहां से तेल लाते थे, कहां से खाना लाते थे, कभी कष्ट नहीं थे आप लोगों ने। बहुत एक साधारण से कार्यकर्ता ने पे आपने बहुत बड़ा ऋण छोड़ा है, और उस ऋण को लगातार उस कोर्ट के बरगद के पेड़ के नीचे रहते आपके हितों की रक्षा करते हुए, आपकी सेवा करते हुए उस ऋण को उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। तमाम लोग, क्योंकि एक फेज के लोग खाना खा रहे हैं, एक फेज के लोग फिर खाना खाएंगे, और एक फेज के लोग आखिरी फिर खाना खाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जो सतत रूप से इस कार्यक्रम में लगे थे, वो अंतिम खाना वो खा लेंगे, क्योंकि जिससे व्यवस्था भी बने थे। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैं, मेरी बात को विराम देना चाहूंगा कि बहुत भाव बिना कार्यक्रम जिसमें आप आए हैं और जिसमें आशीर्वाद मुझे देने आए हैं, मैं आपको आपका आभार व्यक्त करने इसलिए चाहता हूं कि लगातार परसों महीनों महीनों से मेरे लिए आप प्रयास कर रहे थे, उसके लिए तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देते हैं, मेरी बात को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हमारे बीच में शिक्षा बीरबल जी मोहन उपप्रधान आर्य समाज उपस्थित है, वे भी अपनी बात ताराचंद जी राहल के लिए कहना चाहेंगे। बीरबल जी हेलो, सबको यथा योग्य अभिवादन। केवल मैं
तारातंद के लिए दो शहर कहूंगा, ये भी कहना चाहूंगा तो जोश और जुनून जो आपका है वह हमेशा याद रहेगा। एक शेर आपको और कहूंगा कि सुबह लिखता हूं शाम लिखता हूं, सुबह लिखता हूं शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं मुकाम लिखता हूं।